तो मेरे नौजवानों, कैसा चल रहा है नवंबर? कर लिया कितनी बार? अब अगर तुम ऐसे लौंडे हो जिनकी शक्ति अभी बरकरार है, दिन में दोस्तों के सामने गर्व से सर ऊंचा करके कहते हो कि तेरा भाई अभी कंपटीशन में बना हुआ है, लेकिन रात को घर जाते मन थोड़ा सा चंचल विचलित होने लगता है, गलत गलत वेबसाइटों पे जाने का मन करता है, तो माय डियर कॉमरेड्स, टेंशन ना लो क्योंकि इसका हल है मेरे पास। भले ही वो तुम्हारी जिस्मनी आंख को ना मिटा पाए, इतना अजीब साउंड क्यों कर रहा हूँ, खैर छोड़ो, लेकिन वो नवंबर तक तुम्हारी शक्ति को बरकरार रखने में और स्ट्रॉन्ग रहने में मदद जरूर करेगी। एक्चुअली मेरे पास ऐसे दो ट्रिक्स है और बहुत ही यूजफुल ट्रिक्स है, तो थोड़ा सा मन लगा के सुनना। तो ट्रिक नंबर वन, ये सारे ट्रिक्सों में सबसे बेहतरीन ट्रिक्स है, सारे ट्रिक्सों का बाप है ये। अगर इसे तुम ढंग से अप्लाई करोगे तो फैपिंग तो छोड़ ही दो, मुतने तक का मन नहीं करेगा। तो वो सीक्रेट ट्रिक है, एक नजर मेरे पास आ जाओ, क्या है कि सीक्रेट ट्रिक है ना, तो सबको ऐसे चीख चीख के बता नहीं सकते। तो वो स्पेशल ट्रिक है, सब्सक्राइब दिस चैनल, ट्रस्ट मी, भगवान कसम बहुत लाभदायक चीज है ये। ओके नाउ सीरियसली स्पीकिंग, अब ट्रिपल इन को सफल करने के लिए एकमात्र नुस्खा है कि तुम किसी काम में बिजी हो जाओ। अब अगर तुम मेरे जैसे वेले रहते हो तो कोई काम धंधा तो होगा नहीं, दिन भर मूवी सीरीज देखते रहोगे। लेकिन अगर अब तुम कंफ्यूज हो कि किसे छोड़ के किसे देखे, तो हियर आई एम विद टॉप 10 सीरियस मूवी रिलीज्ड इन 2022, जिसमें बहुत सारे एक्शन होंगे, खून खराबा होगा, मार धार होगी, और नहीं फोन ही होगा। अरे उससे बचाने के लिए तो फिल्म सजेस्ट कर रहा हूँ, समझा करो यार, क्या तुम भी। ओके तो लिस्ट में सबसे नीचे 10th पोजीशन पे है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस। अब इससे पहले तुम लोग मुझे कमेंट में गालियां देने लगो कि ये यहाँ क्या कर रहा है, रुको सुनो मेरी बात को। हाँ मुझे पता है कि ये पिक्चर क्लाइमेक्स में जाके हक देती है और पिक्चर डॉक्टर स्ट्रेंज की कम वांडा की ज्यादा लगती है, लेकिन फिर भी कैन नॉट डिनाई विद दिस कि एमसीयू ने तब कुछ नया ट्राई किया था और उसका इनिशियल थिएटर रिएक्शन बहुत ही खूबसूरत था। बहुत दिनों बाद पब्लिक खुशी से उछल रही थी, जंप स्केयर पे लोग चीख रहे थे, इमोशन की रोलर कोस्टर राइड चल रही थी भी, और इसे छोड़ के भी पिक्चर ने हमें बहुत सारे यादगार मोमेंट्स भी दिए। एमसीयू में डिज्नी के छत्र छाया में रह के भी हॉरर एलिमेंट को थिएटर में फील करना वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। अगर सैम रैमी एंडिंग को सही से संभाल लेते तो साल की वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म बनने से इसको कोई नहीं रोक पाता। ऑलराइट तो लिस्ट के 9th पोजीशन पे साउथ इंडस्ट्री से आई हुई कमल हसन की विक्रम, ये तमिल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और ये ऑफिशियली लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स का हिस्सा है। तो अगर तुम सोच रहे हो कि लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स क्या है, तो लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स लोकेश कनगराज की प्रोड्यूस करी हुई तमिल इंडस्ट्री की स्पाई एक्शन थ्रिलर यूनिवर्स है। तो इसमें अभी तक सिर्फ दो पिक्चर्स आई है, कैथी और विक्रम, और भाई दोनों लाजवाब है। अगर तुमने अभी तक नहीं देखा तो मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूंगा, इसे मिस मत करना, सॉलिड पिक्चर है ये। ओके अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी निपटा देते हैं वरना 10-10 मिनट की वीडियो बन जाएगी और मैं कतई नहीं चाहता। तो अब 8th और 7th पोजीशन पे बॉलीवुड की तरफ से रिसेंटली आई हुई विक्रम वेदा और मार्वल स्टूडियो से आई हुई वेरुल्फ बाय नाइट। पहले विक्रम वेदा पे बात कर लेते हैं। तो विक्रम वेदा एक ऑफिशियल रीमेक फिल्म है साउदर्न मूवी विक्रम वेदा की। अब देखो मैंने ओरिजिनल विक्रम वेदा तो नहीं देखा, तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता कि कौन सा वाला बेस्ट है कौन सा वाला खराब है, लेकिन मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि ऋतिक रोशन का विक्रम वेदा मुझे बहुत पसंद आया। भाई क्या कैरेक्टर को पकड़ा उसने, भाई साहब थिएटर में माहौल बन गई थी तब। तो अगर तुमने भी मेरे जैसे ओरिजिनल विक्रम वेदा अब तक नहीं देखी तो इसे एक बार जरूर चेकआउट करना, बहुत ही बेहतरीन काम किया इसने। तो अब आते हैं वेयरवुल्फ बाय नाइट पे। अब वेयरवुल्फ बाय नाइट मार्वल की तरफ से प्रोड्यूस करी हुई एक लौती टेलीविजन फिल्म है जो पूरी तरीके से हॉरर जॉनर को एक्सप्लेन करती है। डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस थिएटर पे रिलीज हुई थी जो पार्शियली हॉरर थी, मतलब इसका छोटा मोटा हिस्सा हॉरर था, लेकिन वेयरवुल्फ बाय नाइट एक लौती एक ऐसी फिल्म है जो डायरेक्ट डिज्नी प्लस पे स्ट्रीम हुई थी और ये पूरा का पूरा हिस्सा हॉरर जॉनर पे बेस्ड है। वैसे पिक्चर तो बहुत अच्छी है, लेकिन मार्केटिंग में इश्यूज के चलते लोगों तक पहुंच नहीं पाई, काफी सारे ऑडियंस को पता ही नहीं चला कि मार्वल की तरफ से कि एक ऐसा माल भी आया है फेस 4 में। तो अगर तुम्हें भी पता नहीं था इसके बारे में तो इसे एक बार चेकआउट जरूर करना, सिर्फ 50 मिनट का है, पटाक से खत्म हो जाएगा। ऑलराइट अब 6th, 5th और 4th पोजीशन पे डीसी की तरफ से आई हुई रॉबर्ट पैटिनसन की द बैटमैन, बॉलीवुड की तरफ से शाहिद कपूर की जर्सी एंड अगेन डीसी की तरफ से आई हुई लेकिन इस बार द रॉक भैया की ब्लैक एडम। अब देखो मैंने ब्लैक एडम पे एक डेडिकेटेड वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने बनाया है, तो ऊपर लिंक फ्लैश हो रही होगी, अगर तुम्हें इसका नॉन स्पॉइलर रिव्यू अच्छी तरीके से जानना है तो उसे एक बार चेकआउट कर लेना। और रॉबर्ट पैटिनसन और शाहिद कपूर के बारे में अब क्या ही बताएं, भाई शब्द कम पड़ जाएंगे मेरे पास। बट सीरियसली स्पीकिंग जर्सी मेरे दिल के बहुत करीब है, बस इतना कहना चाहता हूँ कि शाहिद कपूर वी लव यू मैन, जो आपने किया दैट वाज इनक्रेडिबल, वी लव यू। ऑलराइट तो फाइनली वी आर इन द टॉप 3 इस साल की 3 बिगेस्ट मूवीज। अब देखो इनमें से 3rd और 2nd पोजीशन में आने वाली फिल्म RRR और कंतारा काफी फेमस पिक्चर है एंड आई एम डैम फकिंग श्योर कि तुम में से बहुतों ने ये पहले देख रखा है, तो इस पे मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ इस साल की सबसे बिगेस्ट फिल्म मेरे हिसाब से जो फर्स्ट
पोजीशन को होल्ड अप कर दिया, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। अब देखो, उस दिनों पहले एवेंजर्स एंडगेम और एवेंजर्स इंफिनिटी वॉर के डायरेक्टर रूसो ब्रदर्स ने एक मल्टीवर्स के ऊपर एक फिल्म बनाई थी। एक तो इसमें टाइम ट्रेवल है, दूसरा इसमें मल्टीवर्स है, और तीसरा इसको रूसो ब्रदर्स ने बनाया, तो ये सिंपल कैसे हो सकती है? अगर तुमको ये फिल्म इंडेक्स में समझ नहीं है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, तो दिमाग कहीं हो जाएगा तुम्हारा। भाई साहब, लिटरली इस साल की मास्टरपीस है, कोई डाउट नहीं इसमें। और कुछ ऐसे ऐसे रेफरेंस मारे है ना, दैट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड। भाई गूज़बम्प्स आ जाएंगे तुम्हें, मैं बता रहा हूँ। भले ही तुमने इस साल की एक भी पिक्चर ना देखो, लेकिन ये मिस मत करना, मिस मत करना। एंड दैट्स इट। सो विद दैट बीइंग सेड, वीडियो अच्छी लगी, मजा आया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। और इसी के साथ अगर तुमने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो जरूर कर देना चैनल को। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि बिसाइड ऑल ऑफ दिस मैंने तुम्हारा मन पसंदीदा फिल्म जो यहाँ इस लिस्ट पे एक पोजीशन डिजर्व करती थी उसको मिस कर दिया, तो नीचे कमेंट कर देना। अगर मुझे भी ऐसा फील होता है तो मैं उसको पिन अप कर दूंगा। तो मिलते अगले वीडियो में, टिल देन बाय।